बाहर के ऑफिस से बाहर निकाल दिया और आइंदा इसको काम पे रखने की जरूरत नहीं है। इससे तो एक बोरी भी नहीं उठाई जा रही है, काम क्या करेगा ये? ओए साले गरीब, इधर आ। एक बात बता, तेरे से काम तो ढंग से हो नहीं रहा है, एक बोरी तेरे से उठाई नहीं जा रही है, तो काम कैसे करेगा? और ये बता, तेरा नाम क्या है? मैम साहब, मेरा नाम हर्षित है। अच्छा, तो तेरा नाम हर्षित है। तेरे माँ बाप ने अपनी औकात तो देखी नहीं और तेरा नाम हर्षित रख दिया। अपनी हैसियत और काम धंधा देखकर नाम रखना चाहिए था ना। नाम तो हर्षित रख दिया, इससे कहीं का शहजादा हो। अरे बहन, ये गरीब साले होते ही ऐसे हैं। पहले अपना मासूम सा चेहरा दिखाएंगे, मजबूरी बताएंगे काम पे रखने के लिए, उसके बाद काम ना करना पड़े तो बहाने बनाने लगते हैं। जब तक इनको जूते ना पड़े तब तक काम नहीं होता। नहीं साहब, मेरा पैर लड़खड़ा गया था इसीलिए मैं गिर गया। देख रहे हो भाई कैसे जवान लड़ा रहा है? मैं तो कहती हूँ इसको काम से निकाल दो, शक्ल से ही चोर लगता है। नहीं नहीं मैम साहब, मुझे काम से मत निकालिए। मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप है, एक मैं ही उनका सहारा हूँ। वो तो तेरी शक्ल बता रही है चोर कहीं का। चल जा, दोबारा इसी गलती की तो काम से निकाल दूंगा। देख क्या रहा है, भाग यहाँ से। चोर कहीं का। छोड़ो बहन, अपना मूड मत खराब करो। साहब, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके इलाज के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, तो आप मुझे कुछ पैसे एडवांस दे। क्या पैसे चाहिए तुझे? अभी काम करे हुए कुछ दिन हुए हैं और पैसे मांगने आ गया? ऊपर से तुझसे एक काम तो ढंग का होता नहीं है। मुझे सब पता है, तू अपनी माँ की बीमारी बनाकर उससे पैसे ऐंठना चाहता है। जरूर तू अपनी अय्यासियों के लिए पैसे मांग रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर जल्द से जल्द इलाज नहीं करवाया तो मेरी माँ मर जाएगी। हाँ तो मरने देना, इसमें हम क्या करें? जब तक तेरा पूरा मंथ कंप्लीट नहीं होगा उससे पहले तेरे को एक चवन भी नहीं मिलेगी, समझ गया तू? और हाँ भाई, अगर हमने इसको पैसे दे दिए और ये पैसे लेके भाग गया, काम पर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? और वैसे भी तेरे माँ बाप बुढ़े हो चुके हैं, उम्र ही कितनी रह गई है, मर जाने दे उन्हें। अब खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से, काम कर जाकर। मैम साहब, ऐसा मत करिए, मुझे पैसे दे दीजिए वरना मेरी माँ मर जाएगी। भैया ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको लात मार के ऑफिस से बाहर निकाल दो और आइंदा इसको काम पे रखने की जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ कौन? क्या तुम सच बोल रहे हो ना? ठीक है, मैं तुम्हारे पास दो ऑफिसर भेज रहा हूँ, उनको तुम डॉक्यूमेंट दे देना। बहन, आज हमारे पास बहुत पैसा है, आज हम इस देश को छोड़ के फरार हो जाएंगे। हाँ भाई, आज हमारे पास बहुत पैसा है,
जिससे हम देश विदेश में जाके ऐश करेंगे। तुझे मना किया था ना, दोबारा अपनी गंदी सी शक्ल मत दिखाइयो। और ये दोनों कौन है तेरे साथ? साले उस दिन की मार भूल गया क्या जो आज आया है सालों बाद? मैं कौन हूँ यही जानना चाहते हो ना? मैं इस शहर का नया आईएएस अफसर हूँ। पर तू आईएएस अफसर कैसे बना? तेरे पास तो एक खुली कौड़ी भी नहीं थी। सब समझाता हूँ, ये तो ऊपर वाले की देन है, जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है। मैं बताता हूँ तुम्हें अपनी कहानी। उस दिन तुम्हारे भगाने के बाद मैं रास्ते में भटकता रोता हुआ जा रहा था, तभी मुझे एक साहब मिले। अरे रुको, सुनो जरा, तुम वही हो ना जो उस फैक्ट्री में काम करते थे? तुम रो क्यों रहे? क्या बताऊं साहब, मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप और मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मैं मालिक से पैसे मांगने के लिए गया था और मालिक ने मेरी खूब बेइज्जती की और मुझे भगा दिया और माँ के इलाज के लिए पैसे भी नहीं दिए। अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ साहब, अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊँगा? घबराओ मत, ये बताओ कितना पैसा चाहिए उनके इलाज के लिए? 50,000 रुपये साहब, और डॉक्टर ने बोला है अगर मैंने माँ का इलाज जल्द से जल्द नहीं कराया तो मेरी माँ मर जाएगी। चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा उन्हें। ये लो पैसे और जल्दी से जाके उनका इलाज कराओ। धन्यवाद साहब। और हाँ, ये लो मेरा कार्ड, इसमें मेरा नंबर और मेरा एड्रेस है, कुछ भी जरूरत पड़े तो मेरे घर आ जाना। धन्यवाद साहब। और जब मैं गांव पहुंचा, तब मेरे दोस्त ने बताया कि मैंने आने में देर कर दी। यह सुनकर मेरा मनोबल टूट गया और उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं भी अपने माँ के पास चला जाऊंगा। लेकिन उन साहब ने जो मेरी ईमानदारी देखकर मुझे पैसे दिए थे, वो पैसे मैं उनको वापस लौटा दूंगा, उसके बाद मैं भी माँ के पास चला जाऊँगा। यही सोचकर मैं वापस शहर गया और साहब के बताए हुए एड्रेस पर उनके घर पे गया। साहब ये लो अपने पैसे। अरे क्या हुआ, तुम पैसे ही वापस क्यों कर रहे हो? मर गई मेरी माँ साहब, आज इन्हीं पैसों की वजह से मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करा पाया, इन्हीं पैसों ने मेरी माँ की जान ले ली। क्या? हाँ साहब, कितना बदनसीब हूँ मैं, मुझे तो अब जीने का कोई हक भी नहीं है। अब मैं भी जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। तुम पागल हो क्या? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो उसकी है जिसके यहाँ तुम काम करते थे। अगर उन्होंने टाइम से तुम्हें पैसे दे दिए होते तो आज तुम्हारी माँ जिंदा होती। और तुम्हें पता है खुदगर्जी करना एक बच्चलन का काम होता है, तो तुम्हें इस दुनिया में कुछ करके दिखाना होगा। पर मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बिल्कुल कर सकते हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें सिर्फ मेहनत करना है। आईएएस का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, हम सब कुछ कर देंगे, बस तुम्हें मन लगा के पढ़ाई करनी है। ठीक है साहब, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। और साहब ने मेरे लिए किताबें लाई। मेरा भी फर्ज बन रहा था कि मैं मन लगाकर पढ़ूं और मेहनत करूं। मैंने भी दिन रात मन लगाकर पढ़ाई की और मेहनत की।
ऐसा आया जिस दिन हम दोनों खुश हो गए। हर्षित, तुम्हारी मेहनत और लगन आज रंग लाई है। तुमने जो सपना देखा था वो आज पूरा हो गया है। ये देखो, तुम इस शहर के नए आईएएस अफसर बन गए हो। मैंने बोला था ना कि एक न एक दिन जरूर तुम सक्सेस होगे, और आज तुम सक्सेस हो गए हो। इसे कहते हैं किस्मत। भैया, मेरी सक्सेस होने की वजह आप हो। अगर आप मुझे उस दिन नहीं रोकते तो शायद मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। थैंक यू भैया। इसमें थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत है, तुम तो अपनी मेहनत और लगन से पास हुए हो। और जो तुम अपने बिजनेस के पीछे काले काम, काले कारनामे करते हो, उन सभी काले कारनामों की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। तुम्हारे भाई के खिलाफ सारे सबूत मेरे पास इकट्ठे हो चुके हैं। अब तुम्हारा भाई जेल की सलाखों के पीछे होगा। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं? चुप, बहुत हुआ तेरा चिल्लाना। अब मैं वो गरीब मजदूर नहीं जिसको तुमने काम से निकाल दिया था, जिसकी तुम बेइज्जती करते थे। अब मैं इस शहर का नया आईएएस अफसर हूँ, और अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। चलो, इसके भाई को ले चलो, ये अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताएगा। पकड़ लो इसके भाई को।